दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा ब्लैक हॉक्स वर्सेस राइजिंग सन के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होंगे, साथ ही साथ में लास्ट मैच का क्या स्कोर कार्ड रहा है दोनों टीमों का, कौन सा बैट्समैन किस नंबर पर बैटिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम इस मैच की आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊं तो आप देख सकते हैं लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप भी करा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको 100 रुपये फ्री पेटीएम चाहिए तो देखिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप स्पोर्ट्सी ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो स्पोर्ट्सी ऐप आपको 100 रुपये फ्री पेटीएम देता है। तो अगर आप स्पोर्ट्सी ऐप को पहली बार डाउनलोड करके रजिस्टर करोगे तो आपको 100 रुपये फ्री में पेटीएम में मिल जाएंगे, तो स्पोर्ट्सी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके स्पोर्ट्सी ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब रजिस्टर करो तो वही नंबर डालना जिससे आपका पेटीएम अकाउंट बना हुआ है, तो तुरंत आपके पेटीएम में 100 रुपये फ्री आ जाएंगे। दोस्तों अगर बात करें यहाँ से ब्लैक हॉक्स के लास्ट मैच के बैटिंग स्कोर कार्ड के बारे में, तो एवियर क्रिश्चियन ने यहाँ से ओपन करा था, 9 रन इन्होंने करे थे, वहीं यहाँ से नाथ ने इनके साथ ओपन करा, 31 उन्होंने करे। कदीम फिलिप आपको नंबर 3 पे दिखेंगे, लास्ट मैच में 6 रन करे, वहीं जोशुआ थॉमस आपको नंबर 4 पे दिखेंगे, लास्ट मैच में 14 रन इन्होंने करे थे। वहीं दोस्तों अगर ब्लैक हॉक्स के लास्ट मैच के बॉलिंग स्कोर कार्ड के बारे में बात करें तो फिलिप ने 2 ओवर में 8 रन देके 1 विकेट निकाला, वहीं जेवियर ने 2 ओवर में 15 रन देके 1 विकेट निकाला, एल्विस ने 1 ओवर में 7 रन दिए कोई विकेट नहीं निकाल पाए, पोलार्ड ने 2 ओवर में 9 रन देके 1 विकेट निकाला, वहीं क्रिश्चियन ने 2 ओवर में 11 रन देके 1 विकेट निकाला, वहीं यहाँ से नाथ ने 1 ओवर में 6 रन देके 1 विकेट निकाला। वहीं दोस्तों अगर राइजिंग सन के लास्ट मैच के बैटिंग स्कोर कार्ड के बारे में बात करें तो शेन बर्टन और कैरी मेंटोरे ने ओपन करा, शेन ने 5 रन करे, वहीं मेंटोरे ने यहाँ से 57 रन करे, वहीं ओएन ग्राम आपको नंबर 3 पे दिखेंगे, लास्ट मैच में 61 रन करे। वहीं दोस्तों अगर राइजिंग सन के लास्ट मैच के बॉलिंग स्कोर कार्ड के बारे में बात करें तो थॉमस ने 2 ओवर में 4 रन दिए कोई विकेट नहीं निकाल पाए, माइकल ने यहाँ से 2 ओवर में 4 रन दिए 1 विकेट निकाला, शेन ने 1 ओवर में 7 रन देके कोई विकेट नहीं निकाल पाए, वहीं ओमेले ने यहाँ से 2 ओवर में 16 रन देके 1 विकेट निकाला, एलन ने यहाँ से 2 ओवर में 6 रन देके 1 विकेट निकाला, वहीं यहाँ से मलिंगा ने 1 ओवर में 6 रन दिए कोई विकेट नहीं निकाल पाए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है कि एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है और मैं तो आपको हर प्लेयर के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ, तो इतना सा सपोर्ट कर देना कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करेगा दोस्तों विकेट कीपर में, तो थॉमस आपको नंबर 4 पे दिखेंगे और मेंटोरे आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, दोनों इस मैच के लिए एक अच्छी पिक होने वाले हैं, बट फिलहाल मैं यहाँ से मेंटोरे को पिक करके जा रहा हूँ क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनकी काफ़ी अच्छी चल रही है, वैसे थॉमस की भी फॉर्म काफ़ी अच्छी है, बट अगर यहाँ से ये जो है ब्लैक हॉक्स पहले बैटिंग करेगी तो मैं थॉमस को किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके रख लूँगा, वो फाइनल आपको टेलीग्राम पर पता चल जाएगा, बट फिलहाल मेंटोरे को मैं लेके जा रहा हूँ। बैटिंग में बात करें एलन आपको जो है बैटिंग ऑर्डर में तो काफ़ी नीचे दिखाई देंगे, लेकिन आपको 2 ओवर बॉलिंग के डाल के देंगे तो एक इंपॉर्टेंट पिंक होने वाली है, वही नाथ भी आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, दोनों को मैंने अपनी टीम में रखा। विलीस का यहाँ से बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहेगा, वहीं यहाँ से दोस्तों क्रिश्चियन भी आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, साथ ही साथ में बॉलिंग भी आपको करवा के दे सकते हैं, तो यहाँ से मेरे 3 बैट्समैन रहने वाले, बाकी कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। ऑलराउंडर में बात करें दोस्तों कॉर्नेवाल खेलेंगे नहीं, खेलेंगे तो अपडेट मिल जाएगा लाइनअप आने के बाद आपको टेलीग्राम पे। थॉमस विकेट टेकर बॉलर है, डेथ में भी बॉलिंग करते हैं तो विकेट निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो रखना पड़ेगा। वहीं यहाँ से फिलिप आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, प्लस आपको 2 ओवर बॉलिंग से भी करके देंगे, और स्पिनर है, स्पिनर को पिच में हेल्प मिलती है तो विकेट निकाल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर किसी और प्लेयर के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ से शेन आपके लिए एक ट्रम्प प्लेयर होने वाले जो कि आपको ओपन करके देंगे, साथ ही साथ में सेलेक्शन देखोगे तो इनका ना के बराबर सेलेक्शन है। वहीं यहाँ से ग्राम आपको नंबर 3 पे दिखेंगे, साथ ही साथ में बॉलिंग भी करवाएंगे। दोस्तों इन दोनों का सेलेक्शन देखोगे तो ना के बराबर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन शेन का काफ़ी कम सेलेक्शन है और ग्राम का भी, दोनों आपके लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक होने वाले, तो इन दोनों को इग्नोर मत करिएगा, मैंने इन दोनों को भी अपनी टीम में जगह दी है। वहीं ऑलराउंडर
बस यहाँ से थॉमस हो जाएंगे और फिलिप हो जाएंगे। बॉलिंग में बात करें दोस्तों, यहाँ से पोलार्ड एक ऐसे बॉलर है जो कि विकेट निकाल सकते हैं बीच के ओवर में बॉलिंग करवा के, और ये बंदा आपको दो ओवर कंफर्म करवा के देगा। वहीं यहाँ से स्पेंसर भी आपको दो ओवर डालेंगे और यहाँ से हेलीजर भी हो जाएंगे। तो ये तीनों बॉलर ऐसे कि आपको दो दो ओवर बॉलिंग करके देंगे, तो एक मस्ट पिक होने वाले हैं। तो इन तीनों को हमें इग्नोर नहीं करना है। फिलहाल मैंने तीनों को अपनी टीम में जगह दे दी। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें अगर दोस्तों, तो देखिए यहाँ से आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज करूँगा नहीं। आपके लिए ग्राम का एक बेस्ट पिक होने वाला है कैप्टन और वाइस कैप्टन का, जिनकी रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छी चल रही है। वहीं वाइस कैप्टन के लिए बोलूँ तो फिलिप और यहाँ से शेन, आपको मैं तीन ऑप्शन ही दूंगा। फिलहाल यहाँ से मैं ग्राम को कैप्टन कराऊँ और शेन को एज ए वाइस कैप्टन। दोस्तों अगर हमारे टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, तो फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। आप इस टीम के साथ अपना कॉन्टेस्ट वो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फाइनल टीम इस मैच की आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम इस मैच की आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। दोस्तों अगर आपको 100 रुपये फ्री पेटीएम चाहिए, तो आपको देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप स्पोर्ट्सी ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो, तो स्पोर्ट्सी आपको 100 रुपये फ्री पेटीएम देता है। तो बस आपको स्पोर्ट्सी ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक करके स्पोर्ट्सी ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब रजिस्टर करो, तो वही नंबर डालना जिससे आपका पेटीएम अकाउंट बना हुआ है, तो तुरंत आपके पेटीएम में 100 रुपये फ्री आ जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा।